मध्य प्रदेश के रीवा में चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत किटवरिया पुल के पास कल देर रात भीषण सड़क हादसा। घटना की जानकारी बताई जा रही है कि बीती रात बलकर और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बेला तरफ से हाईवा आ रहा था, जबकि दूसरी ओर से बलकर आ रहा था। दोनों की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां चकनाचूर हो गई। बताया जा रहा है कि बलकर चलाने वाले ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, जिसको संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। यह पूरी घटना चोरहटा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। ये किटवरिया है, बाईपास के ऊपर ये इधर से एक गाड़ी आ रही थी बलकर, और हाईवे इधर से आ रहा था आपका क्या नाम बोल रहे हैं इधर बेला तरफ से, और बलकर वाला आ रहा था आपका हाईवे आ रहा था इधर से और बलकर आ रहा था इधर से, तो ये दोनों आपस में ओवर ट्रैक के उसमें से ही एक इधर पलट गया एक आगे जाके पलट गया, आमने सामने दोनों का टक्कर हुआ। ड्राइवर का तो बोल रहे हैं कि उसके कमर टूट गई है, संजय गांधी हॉस्पिटल में ले गए भर्ती किए हैं। हाँ दोनों, उसका तो बच गया है, उसका थोड़ा उसके भी चोट लगी है, पर ज़्यादा हाईवे वालों की लगी है। हाईवे वालों को बोल रहे हैं कमर भी टूट गई है, पैर भी टूटा है, अब ले गए हैं। ये 12 बजे रात की है। हाँ 12 बजे रात की है। क्या नाम है? हमारा नाम रमेश द्विवेदी है।